हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छात्रा ने पीएम मोदी को दिखाए काले झंडे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीटा। बेटी पिटती रही, मोदी भाषण देते रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में एक छात्रा को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीटा, वो भी इसलिए कि अपने प्रधानमंत्री से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें काले झंडे दिखा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इलाहाबाद में रैली थी और वह मंच से भाषण दे रहे थे। उसी बीच दर्शक दीगरा में उपस्थित छात्रा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने लगी। जैसे ही छात्रा ने पीएम मोदी को काले झंडे दिखाए और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, बीजेपी कार्यकर्ता उस पर टूट पड़े। बेशर्मी से उसे घसीटते हुए, मारते पीटते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि बेटी बचाओ का नारा महज एक जुमला है और उनकी सबसे बड़े नेता के सामने भी एक बेटी की पिटाई होना आम बात है। बाद में पुलिस ने छात्रा को हिरासत में ले लिया, लेकिन सवाल उठता है कि काले झंडे दिखाने वाली किसी शख्स को पुलिस हिरासत में लेगी? नियम कानून के तहत उस पर कार्यवाही करेगी या फिर किसी राजनीतिक दल के गुंडे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा रामा यादव ने अपने ऊपर हुए हमले को शर्मनाक बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ की बात करते हैं और उनकी रैली में मुझ पर हमला हुआ है। क्या मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।